इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी अपन को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के अपने पूरे ये स्टेप्स हैं, पर अभी अपन को एनएवी तक फोकस करना है ना। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू है ना। सबसे पहले अपन को निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। उसके लिए तीन चीजें यूज होती है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। सबसे पहले लेना है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, ठीक है। दोनों में से विच एवर इज हायर, क्या वो था हायर, लोअर और हायर, ठीक है। तो फिर हायर वैल्यू जो आ गई उसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से विच एवर इज लोअर, ठीक है। और फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, उसको कंपेयर करना है विद एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर विल बी आर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करेंगे, ठीक है। पेड वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। अब मुझे बताओ नोट्स में कहां तक लिखा है, कहां तक समझ लिया। जो मैंने नोट्स लिखवाए थे ना, 1 2 3 4, एक्चुअल रेंट ना, म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में नोट लिखते हैं, उसको समझते हैं पूरा, और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखो, फोर्थ नंबर पे था ना ये, फिफ्थ नंबर का नोट डाल लो। अरे ये तो इसका रिमोट है। चलो लिखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस हेडिंग डालो इस फाइनल पॉइंट में, लिखो टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय, टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी कॉमा लोकल अथॉरिटी और ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी टैक्स। हाउस टैक्स कॉमा लोकल टैक्स एक्सेट्रा, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी टैक्स। अपन तो कॉमनली उसको प्रॉपर्टी टैक्स ही बोलते हैं, मतलब मैंने जितना भी सुना है प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से ही सुना है, तुम लोगों को मुझे नहीं पता, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसी में सेकेंड पॉइंट लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, म्यूनिसिपल टैक्स के अंदर ही अपन ने पहला एक्सप्लेनेशन लिखा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट बना के लिख लो उसी के अंदर। इट इज अलाउड, इट इज अलाउड ओनली इफ, इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बाय ओनर, इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बाय ओनर। नॉट अब अलाउड वर्ड का मतलब समझ लो, बहुत जगह यूज होगा। अलाउड वर्ड का मतलब होता है जो अपन डिडक्ट कर रहे हैं ना जीएवी में से, माइनस कर रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स, उसको बोल रहे हैं कि ये डिडक्शन अलाउ हो रहा है, समझ में आया।
म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करना अलाउ हो रहा है, इट इज अलाउड, और नॉट अलाउड का मतलब है उसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं की जाएगी अगर कोई चीज, तो हमारी इनकम क्या आएगी, बढ़ी हुई, ठीक है। अब ऐसा क्यों कि टेनेंट पे करेगा तो माइनस नहीं करना है, ओनर पे करेगा तो माइनस करना है, ठीक है, समझना। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों से घर किराए पे लिया, है ना, तुम लोगों से मैंने घर किराए पे लिया और तुम मुझसे कितना चार्ज कर रहे हो, 20,000 रुपए रेंट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, मैं तुमको कितना पे करती हूँ, 20,000। अब 20,000 तुम कमाते हो, है ना, और तुम साल भर का म्यूनिसिपल टैक्स भी क्या करते हो, पे करते हो, तो घर से इनकम 20,000 पर मंथ और घर का ही खर्चा है म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, तो वो इनकम में से क्या हो गया, रेवेन्यू में से क्या हो गया, माइनस, ठीक है, जो नेट इनकम बची उस पे मुझे क्या पे करना है, टैक्स। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, बट मान लो कि तुमने मुझे रेंट पर दिया और तुमने मुझे बोला कि म्यूनिसिपल टैक्स भी मैं ही पे करूं, तो इसका मतलब है कि मैं तुमको 20,000 तो पे कर रही हूं, ठीक है, और म्यूनिसिपल टैक्स भी मैं अपनी जेब से पे कर रही हूँ। अगर मैं बोल दूं कि मैं म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं करूंगी, आप ही कर दो, आपके नाम पर है, तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं ठीक है, तो फिर रेंट कितना हो जाएगा, 22,000, ठीक है, क्लियर है। तुम मुझे लेस इसीलिए कर रहे हो रेंट क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स किसको पे करने को बोल रहे हो, मुझे, अगर मैं म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं करूं तो तुम मुझसे रेंट थोड़ा सा ज्यादा ले लो, समझ में आया, तो तुमने अपना रेवेन्यू में ही म्यूनिसिपल टैक्स क्या कर लिया, एडजस्ट कर दिया, समझ में आया। तो ओनर पे करेगा तो ही माइनस करेंगे, कोई और टेनेंट पे करेगा या कोई और पे करेगा तो माइनस नहीं करेंगे, क्लियर है ये वाला पॉइंट, सिंपल सा रूल है ना, ओनर पे करेगा तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना, ओनर ओनर की इनकम असेस कर रहे हैं, ओनर अगर अपनी जेब से पे कर रहा है खुद से तो ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इतनी बात क्लियर है। पहले फिर वो कंपोनेंट हम लोगों ने मतलब टैक्स को रेंट रेंट में इंक्लूड कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंपल सा रूल चेक करना है, ओनर जेब से पे कर रहा है अपने तो माइनस करना है, नहीं कर रहा है तो नहीं करना है, ठीक है। चलो दूसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, पेड और अक्रूवल बेसिस याद है ना, तो जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होता है, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पर नहीं, मतलब अगर वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तुमने पे नहीं किया तो उसको माइनस नहीं करेंगे, जितना पे किया इस साल उतना माइनस करेंगे, अब वो किसी भी साल के लिए पे किया, ठीक है, मतलब कैश बेसिस लग रहा है, ठीक है, पे जितना कर रहे हो उतना ही माइनस करोगे, इस साल जितना पे किया उतना माइनस करोगे, इतना याद रखो, ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, ओनर ने पे किया तो माइनस करना है, ओनर ने पे नहीं किया तो माइनस नहीं करना है, ठीक है, जितना पे किया उतना माइनस करना है, जितना ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, उसको माइनस नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो इसके बाद लिख लो ये वाला पॉइंट, अभी तुम लोग ने ओनर वाला पॉइंट लिख लिया ना, उसके बाद क्या बनाओगे, थर्ड पॉइंट, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, है ना, तो सिंपल, जितना पेड है इन प्रीवियस ईयर सो अलाउड, जितना आउटस्टैंडिंग है नॉट अलाउड, जितना पे किया उतना अलाउ, जो नहीं पे किया वो अलाउ नहीं होगा, जब पे करोगे तब होगा, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है, अगले साल पे करोगे, अगले साल अलाउ करो, ठीक है, कौन सा पॉइंट हुआ इसके अंदर, थर्ड वाला ना, अच्छा एक चीज और,
किसी किसी क्वेश्चन में हमको परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा टैक्स, है ना। तो बेटा मुझे बताओ म्यूनिसिपल टैक्स कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट होता होगा? म्यूनिसिपल टैक्स कौन ले रहा है? म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल टैक्स लेने के लिए कौन सी वैल्यू डिसाइड करके रख रही है? म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम म्यूनिसिपल वैल्यू इनटू दैट परसेंटेज करेंगे तो क्या आ जाएगा? म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है ना। तो इफ इट इज गिवन, हाँ मतलब उसी के आगे फोर्थ पॉइंट, इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म, इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म देन इट शुड बी कैलकुलेटेड, देन इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू, देन इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। चलो मैं तुम लोगों के सामने क्वेश्चन खोल रही हूँ। हाँ पांच घर है, पांचों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक टेबल बना लो, ठीक है, पर्टिकुलर जहां पर अपन लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ठीक है, फिर हायर ऑफ वन एंड टू, एक पर्टिकुलर सा कॉलम हो गया, और पांच घरों का कॉलम बना लो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनेगा। सबको रेंट पे चढ़ा दिया है, मेरा गेम लेट आउट हाँ करता डीम लेट आउट नहीं है ना, डीम लेट आउट कुछ नहीं है, ये पूरा लेट आउट वाला केस। है। पेज नंबर वाला मॉड्यूल का, मॉड्यूल का पेज नंबर है 3.140। ये 500 हाँ पांचों का बनाएंगे अपन, एक का मैं बताती हूँ, बाकी का तुम लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। देखो कैसे बनाना है, अपन को पर्टिकुलर लिखने हैं और हाउस नंबर 1, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालनी है, असिसी का नाम क्या है? जयश्री। हाँ तो ऊपर हेडिंग डालनी है नेम ऑफ असिसी, जयश्री, प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24, असेसमेंट ईयर 24 25, है ना। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सिर्फ जीएबी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है कंप्यूट द जीएबी ऑफ ईच हाउस, दैट्स इट, है ना, क्योंकि म्यूनिसिपल रेंट वगैरह कुछ नहीं दी, टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं दिया, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी। पर्टिकुलर्स हाउस 1,
सबसे पहले अपन को क्या लेनी है बेटा? म्यूनिसिपल वैल्यू। हाँ म्यूनिसिपल वैल्यू लिखो 80,000। सेकेंड नंबर पे लिखना फेयर रेंट 90,000। ना अपन को लेना है थर्ड नंबर पे हायर ऑफ 1 और 2। दोनों में से हायर क्या है बेटा? तो यहाँ पे 90 ले लिया अपन ने। थर्ड नंबर पे क्या ले लिया अपन ने? चार्ज पे लगाना है, वहीं पे लगेगा सी टाइप में। फोर्थ नंबर पे क्या लेना है बेटा? अब स्टैंडर्ड रेंट अगर एनए लिखा है मतलब उस एरिया का स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं होगा रेंट कंट्रोल एक्ट में, नॉट अवेलेबल है। इसको जीरो मत मान लेना, क्योंकि अपन को क्या लेना है थर्ड का और स्टैंडर्ड रेंट का, विच एवर इज लोअर। अगर अपन जीरो मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो आएगा ठीक है तो गलत हो जाएगा। तो नॉट एप्लीकेबल है मतलब उसे इग्नोर करना है। तो अपना फिफ्थ नंबर पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 90,000। बिल्कुल सही, समझ गए? एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 90,000। अब सिक्स नंबर पे क्या लेना है बेटा? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 72,000। हमको क्या करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगी? हायर ऑफ 5 और 6। ये यहां पर ऐसे डैश करके एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर 90,000। क्लियर है ना? चलो हाउस टू का कैलकुलेट करो, हाउस थ्री का कैलकुलेट करो। आज यश भैया क्लास नहीं है ना, एक्स्ट्रा। टू और थ्री का कैलकुलेट करो पहले तो तुम लोग। हाँ क्वेश्चन को बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो मैं अपने आंसर को। अच्छा तीन पांचवा हाउस का पांचवा चार फोर फाइव कर लो, क्या 2 मिनट लगेगा तुम्हें उसका? बाकी सबका आ जाए फिर आंसर बताती हूँ, चेक कर लेंगे।
हुआ सबका हो गया तान्या? पहले वाले का तो पहले वाले का 90 आया था अपना, सेकेंड वाले का 72 आया है क्या, थर्ड वाले का 60 आया है? हाँ कि नहीं? हाँ। फोर्थ वाले का 30 आया है और फिफ्थ वाले का 78 आया है? हाँ ओके, मैं एक क्वेश्चन और दिखा रही हूँ। अब देखो इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड रिसीवेबल, म्यूनिसिपल टैक्स 10%। 10% किसका लेना है बनको? म्यूनिसिपल वैल्यू का। इसका हाउस नंबर 1 कैलकुलेट करो, बाकी के 4 होमवर्क में करके लाना, ठीक है? हाउस नंबर 1 का अभी कैलकुलेशन करो इसका। ये मैं तुम लोग को व्हाट्सएप कर देती हूँ क्वेश्चन। कैसा करना चाह रहे हो? हाँ तो रुक जाना अभी, बाकी लोगों का भी आंसर आ जाना ना, फिर एक साथ अपन डिस्कस करें। ये वाला मॉड्यूलर क्वेश्चन भी है? नहीं बेटा मॉड्यूल का नहीं है। मैंने व्हाट्सएप कर दिया तुम लोग को ये वाला, है ना? बहुत सिंपल है एक कसी। म्यूनिसिपल टैक्स पे हो रहा है ऐसा अज्यूम कर रखे चल रहा है, ठीक है? फर्स्ट वाले का आ गया है ना, फर्स्ट वाले का कितना है? 1,68,000 है ना, लिख के मैं बता दूं क्या? हाँ ये एनएडी कहलाता है। एक मिनट मैं इसी में कर देती हूँ ना। देखो तुम लोगों का क्या आया, म्यूनिसिपल वैल्यू ली अपन ने 1,20,000, फिर अपन ने ली फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, पहले हायर ले लिया, फिर स्टैंडर्ड रेंट लिया 1,08,000, विच एवर इज लोअर इज आर एक्सपेक्टेड रेंट, है ना? फिर एक्चुअल रेंट अपना कितना है? 1,80,000, हम ज्यादा कमा रहे हैं एक्सपेक्टेड से, ज्यादा तो ज्यादा पे टैक्स लगेगा, तो जीएबी अपनी कितनी हो गई? 1,80,000, ठीक है? अब इसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, विच इज 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो कितना पे किया? 12,000। तो हमारा क्या आ गया? नेट एनुअल वैल्यू एनएवी कितनी आई? 1,68,000। क्लियर है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन करके ले आओगे पूरा? ठीक है, सिंपल है ना अभी तक? हाउस प्रॉपर्टी बहुत, हाउस प्रॉपर्टी वैसे भी बहुत सिंपल है, ठीक है? अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
ना वो लिखवाए थे ना मैंने, दो कौन कौन से डिडक्शन लिखवाए थे याद कर लो जरा। एक तो अपन को स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% देना ही देना है ना, वो किसका देना है, एनएवी का, वो तो हम अब भी दे सकते हैं ठीक है। पर दूसरा वाला कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अपन को बहुत सारे पॉइंट्स सीखने पड़ेंगे, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कितने लिमिट का मिलेगा ठीक है, वो सब अपन को सीखना पड़ेगा। हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लिमिट है ठीक है, कि इतने लिमिट तक ही मिलता है और उसकी कंडीशंस है, ये कंडीशंस पूरी हो गई तो इतना लिमिट, नहीं तो फिर इतना ना। चलो सीखेंगे अगली क्लास से, यश भैया से पूछ लो कितनी देर में।